नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है खुरई के मालथोन से, जहां व्यवहार न्यायालय भवन का किया गया भूमि पूजन एवं शिलान्यास। खुरई के मालथोन में 9 करोड़ 18 लाख की लागत से बनने वाला नवीन व्यवहार न्यायालय भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें, श्री अजय कुमार मित्तल मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय जबलपुर के कर कमलों द्वारा ही शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इस दौरान श्री के पी सिंह जिला सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। यह भवन 24 महीनों में बनकर तैयार किया जाएगा। आज मालथोन में सागर जिले में नवीन व्यवहार न्यायालय बिल्डिंग का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है और इसका शिलान्यास का जो कार्यक्रम है अपने आप में अनूठा इसलिए है कि आज न केवल मालथोन में शिलान्यास हुआ है और वो भी कोविड के काल में, चूँकि प्रैक्टिकली यहाँ आना संभव नहीं था सभी बड़े अधिकारियों का, तो आज माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री मित्तल साहब द्वारा ई इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ जो पर्दा लगाया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, वहाँ से उन्होंने रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसको उठाया है और यहाँ पर्दा उठा है और इस तरह से ये एक अनूठी पहल है। मालथोन में जो बिल्डिंग बनने जा रही है वो 3 मंजिला बिल्डिंग होगी, जिसमें कि 2 कोर्ट रूम होंगे और कोर्ट रूम के अलावा अभी तक जो सुविधाएं तहसील कोर्ट बिल्डिंग में नहीं हुआ करती थी वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। जैसे दिवा शिशु कक्ष, जैसे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं आती हैं, दवाई वाई देने आना पड़ता है कई बार, तो छोटे बच्चों को कहाँ बिठाएं, तो उनके लिए एक शिशु कक्ष रहेगा, कैंटीन की सुविधा रहेगी, पोस्ट ऑफिस की सुविधा रहेगी, जो गवाह आते हैं उनको गवाहों के बैठने का वेटिंग एरिया रहेगा, पिटीशन राइटर्स जो हैं उनको बैठने की प्रॉपर जगह रहेगी, फोटोकॉपी मशीन के लिए एक अलग से व्यवस्था रहेगी। हमारे जो कॉपिंग सेक्शन है वो तो अलग रहे ही है, इसके अलावा फोटोकॉपी जो मशीन के लिए भी अलग से व्यवस्था रहेगी। और जो बार रूम में जो काम करने के लिए पिटीशन लिखने वाले जो बार के टाइपिस्ट हैं उनके भी व्यवस्था रहेंगे, जो सरकारी ADPO रहते हैं उनके लिए भी अलग से सेपरेट रूम की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से जो हमारी बिल्डिंग है इसमें सारी बेसिक फैसिलिटीज़ दी गई हैं और ये हमारी 3 मंजिला बिल्डिंग होगी, जिसमें कुछ चीज़ें नीचे रहेंगी, कुछ फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगी और कुछ सेकंड फ्लोर पर रहेंगी। तो बिल्डिंग जो है वो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनेगी ऐसा उम्मीद है। इस बिल्डिंग को बनने में जो बजट सेंक्शन हुआ है वो 9 करोड़ 18 लाख रुपये का है और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो है 2 साल की, 24 महीने। तो आज से इसकी शुरुआत हुई है तो 24 महीने के अंदर अंदर ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। खुरई से करता यादव की रिपोर्ट।